शर्मा ने इतनी राहत भरी खबर कही कि या राहत भरी बात कही कि अगर हम सावधानी बरते तो ये केस कम भी हो सकते हैं, ये ना हो ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, जिस तरह हर दिन हम देख रहे हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं, परसेंटेज बढ़ रही है, तो ऐसे में किस तरह से लोगों को सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए और केसेस घट भी सकते हैं, क्योंकि आशंका ये थी कि लोगों में ये भी डर है कि बढ़ सकते हैं, क्योंकि सारी हमने सावधानियां छोड़ दी हैं, मास्क लगाना लोगों ने छोड़ दिया है, इंडोर में खासतौर पर लोग बिना मास्क के बेफिक्र होकर घूम रहे हैं, उन्हें शायद अब लोगों में इतना डर नहीं रहा इस पेंडेमिक का, इस वायरस का, तो क्या किस तरह किससे सावधान रहना चाहिए, और दूसरा क्या बच्चों को और पेरेंट्स को आप क्या सलाह देंगे, क्योंकि दिल्ली और NCR में केसेस आ रहे हैं कि बच्चों में भी केसेस मिल रहे हैं टीचर में, तो पेरेंट्स के लिए आपकी क्या सलाह होगी और स्कूल्स के लिए टीचर्स के लिए बच्चों को कैसे? ओवरऑल तो यही है कि हमको थोड़ा सा भीड़ भड़क का अवॉइड करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि जहां पर भी जो भी हमारे सार्वजनिक जो स्थान है, पब्लिक प्लेसेस हैं, वहां पे जो डिस्टेंस हम पहले रखते थे, 6 फीट की दूरी ये सब कहते थे, वो सब हम इम्प्लीमेंट करते थे, अब वो धीरे धीरे कम हो गया, उसी को थोड़ा फिर से करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए टाइम के साथ और केसेस के साथ अपनी स्ट्रैटेजी भी चेंज करनी पड़ती है। जब केसेस कम थे, सिचुएशन ठीक थी, तो उस टाइम पे प्रिकॉशंस को थोड़ा डाउन स्केल किया गया, लेकिन ये रियल टाइम में अपने आप को हमको देखते रहना पड़ता है, वी हैव टू मॉनिटर द सिचुएशन। जब सिचुएशन धीरे धीरे खराब होती जा रही है, उसका अर्ली पिकअप करके हमें अपने प्रिकॉशंस को अपस्केल भी करना पड़ता है, तो हमें धीरे धीरे वही प्रिकॉशन फिर से करने पड़ेंगे। और उम्मीद यही है, देखिए वैक्सीनेशन भी काफी हद तक यहाँ हो गया है, कईयों का हो गया है, तो ये एक अच्छी बात है, वैक्सीन हो गया, सीरियस डिजीज होने के चांसेस थोड़े कम है, ओमिक्रॉन वेरियंट है जिसमें जो उस तरह का सीरियस वेरिएंट नहीं है जैसे डेल्टा था, ये सारे बातों को मद्देनजर रखते हुए कोई पैनिक और कोई बहुत चिंता वाली विषय भले ही ना हो, लेकिन ये है कि और बढ़ना तो नहीं देना चाहिए, वही प्रिकॉशन, मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, सफाई, सैनिटाइजेशन, भीड़ भड़क के में ना जाना, वही सारी चीजें हैं, ओपन में ज्यादा रहना, जो कि हमें फिर से थोड़े टाइम के लिए रखनी पड़ेगी। जहां तक बच्चों का और स्कूलों की बात है, हाँ, क्योंकि अभी उनमें से काफी प्रपोर्शन वैक्सीनेट नहीं हुए हैं, और पिछले कुछ दिनों में ही स्कूल स्टार्ट हुए हैं, नया सेशन स्टार्ट हुआ है, तो स्कूल ऑफलाइन स्टार्ट हुआ, इट इज क्वाइट पॉसिबल, ये तो ऐसी थ्योरी है, बट पॉसिबल है कि स्कूल में जाने से ऑब्वियसली वहाँ बच्चों का क्लस्टर होता है, थोड़े इन्फेक्शन का चांस तो होगा, थोड़ा सा इन्फेक्शन बढ़ेंगे, ये आई थिंक हम लोग एंटिसिपेट कर भी रहे थे, तो हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि वहां पे भी यही सारे मेजर्स ज्यादा स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किए जाए, ताकि उनको वहीं पर रोका जा सके और आगे स्प्रेड होने से बचाया जा सके। अगेन पैनिक की कोई बात नहीं है, बट एक ग्रेडेड रिस्पॉन्स जैसे हम करते हैं स्कूलों में भी उसी तरह का रिस्पॉन्स लेके चलना चाहिए।